आज मैं आपके सामने सच्चाई पेश करने आया हूँ। अरे भास्कर दादा, अभी तुमने देखा ही क्या दीपक के दिल में लक्ष्मी के शादी के लिए क्या क्या अरमान है? अबे बहुत देखे तेरे राजू बाजू। देखो दीपक, हम लोग रमी खेल रहे थे और इसने एक हाथ गलत डिक्लेयर कर दिया। मैक मोहन बॉलीवुड का एक ऐसा खलनायक जो अपने लुक्स के लिए हमेशा चर्चाओं में रहा। अबे अपन से पैसा मांगता है क्या? चल फुट। केवल एक डायलॉग बोलकर ये खलनायक हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। पूरे 50,000। सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी विलेन के किरदारों में ये एकदम फिट लगा करते थे। 5 दशकों तक ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे और कई शानदार व सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। अपने को तो जिधर बोलो सारा टक्कर लेगा क्या? किस्सा टीवी आज अपने दर्शकों को सांभा यानी मैकमोहन की जिंदगी की कहानी बताएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मैकमोहन क्रिकेटर बनने की बजाय एक्टर बने और फिल्मों में इन्हें कैसे पहला ब्रेक मिला था। अरे जरा मुंह धो के आप। मैकमोहन का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1938 को अविभाजित भारत के कराची शहर में। माता पिता ने इनका नाम रखा था मोहन। इनका पूरा और असली नाम था मोहन माखीजानी, लेकिन दोस्तों ने इन्हें मैक कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल की हैसियत से सेवारत थे और वो चाहते थे कि ये भी बड़े होकर आर्मी ही ज्वाइन करें। ये जब मात्र 2 साल के थे तब इनके पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी लखनऊ में ही हुई। बचपन से ही मैक को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। भारत के आजाद होने के कुछ सालों के बाद मैक क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई चले आए, क्योंकि उन दिनों में मुंबई ही भारत में इकलौती ऐसी जगह थी जहां क्रिकेट की ट्रेनिंग सबसे अच्छी दी जाती थी। मुंबई में इन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया और कॉलेज की क्रिकेट टीम के लिए खेलने लगे। यहाँ ये बात भी आपको बतानी ज़रूरी है कि लखनऊ के जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी और मुंबई के जय हिंद कॉलेज में भी महान अभिनेता सुनील दत्त इनके सहपाठी रहे थे। क्रिकेट तो ये खेलते ही थे, इन्होंने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक नाटक में इनकी एक्टिंग अभिनेत्री शौकत कैफी ने देखी। शौकत को इनकी एक्टिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने मैकमोहन को सलाह दी कि ये अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए एक्टिंग करना जारी रखें और इप्टा भी ज्वाइन कर ले। शौकत कैफी की बात मैक को बड़ी सही लगी। उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए फिल्मालय नाट्य संस्थान में दाखिला भी ले लिया। उसके बाद ये मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे और फाइनली वो फिल्म आई जिसमें मैकमोहन को पहली दफा कैमरा फेस करने का मौका मिला। कहना चाहिए कि चेतन आनंद ने अपने इस चेले के काम से खुश होकर अपनी फिल्म में से कैमरा फेस करने का मौका दिया। ये फिल्म थी 1964 में रिलीज हुई हकीकत। हालांकि इससे पहले ये जंगली और चचाचा में नजर आ चुके थे, लेकिन उन फिल्मों में ये केवल खानापूर्ति वाले एक्टर थे। इन्हें एक भी डायलॉग नहीं मिला था। इनकी दूसरी फिल्म थी आओ प्यार करें, जो कि 1964 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी इन्होंने एक छोटा रोल निभाया था, लेकिन वो रोल इन्होंने बड़े ही माहिराना अंदाज में निभाया था। वैसे तो इन्होंने अपने फिल्मी करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी शोले से। शोले में इनका केवल एक ही डायलॉग था, लेकिन उसी डायलॉग ने इन्हें हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के बीच में लोकप्रिय कर दिया। शोले फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि शोले के प्रीमियर में मैकमोहन भी थे। फिल्म जब खत्म हुई तो मैक की आंखों में आंसू आ गए थे, वो बेहद दुखी थे। मैक ने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से कहा, तुमने मेरे सारे सीन काट दिए। इस पर रमेश सिप्पी ने इन्हें जवाब दिया कि फिल्म काफी ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए तुम्हारे सीन काटने पड़े। केवल तुम्हारे ही नहीं और भी कईयों के सीन काटे गए हैं, लेकिन मैक अगर ये फिल्म चल गई तो पूरी दुनिया तुम्हें सांभा के नाम से जानेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शोले की रिलीज के बाद इनका डायलॉग पूरे 50,000 हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। मैकमोहन के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये आया सावन झूम के, मेम साहब, जंजीर, शरीफ बदमाश, हीरा पन्ना, मजबूर, हेरा फेरी,
खून पसीना, गंगा की सौगंध, डॉन, अतिथि, जानी दुश्मन, काला पत्थर, लहू के दो रंग, द बर्निंग ट्रेन, कालिया, शान, प्रोफेसर प्यारेलाल, हथकड़ी, सत्ते पे सत्ता, धर्म काटा, बाजी, अंदर बाहर, लोहा, पाले खां, अजूबा, हमशकल, सैनिक, दुलारा, लाल बादशाह और लक बाय चांस जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। मैकमोहन ने केवल फिल्मों में ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी काम किया था। इन्होंने जी हॉरर शो की कई सीरीज में काम किया था। मैकमोहन ने केवल हिंदी ही नहीं, भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों के लिए डबिंग भी की थी। कहा जाता है कि केवल उड़िया भाषा को छोड़कर मैक ने लगभग हर भारतीय भाषा की फिल्मों में अपनी आवाज़ दी थी। साथ ही अंग्रेजी, रशियन और स्पेनिश भाषा की फिल्मों में भी मैक ने अपनी आवाज़ दी थी। मैकमोहन की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने मिनी से साल 1986 में शादी की थी। मिनी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मिनी से इन्हें दो बेटियां मंजरी माकीजानी और विनीता माकीजानी और एक बेटा विक्रांत माकीजानी हुई। इनकी बड़ी बेटी मंजरी माकीजानी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और वो एक राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन मैकमोहन की सगी भांजी हैं। सोशल मीडिया पर मैकमोहन की एक तस्वीर है जिसमें वो एक विदेशी महिला को किस करते नजर आते हैं। इस तस्वीर के बारे में दावा किया जाता है कि मैकमोहन जिस विदेशी महिला को किस कर रहे हैं वो उनकी प्रेमिका थी और मैकमोहन काफी लंबे वक्त तक उस महिला के साथ रिलेशन में रहे थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस महिला को किस करते हुए मैकमोहन की ये तस्वीर दरअसल एक नाटक के दौरान ली गई थी जो मैकमोहन विदेश में परफॉर्म कर रहे थे। सच्चाई क्या है ये हमें भी नहीं पता। कभी पता चला तो आप दर्शकों को जरूर बताएं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मैकमोहन को एक नेक दिल इंसान कहते थे। बताया जाता है कि मैक बेहद मृदुभाषी और बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। अंग्रेजी भाषा पर मैक की जबरदस्त पकड़ थी। वो न केवल बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे बल्कि अंग्रेजी में लिखते भी थे। लेकिन मैक में कुछ गंदी आदतें भी थी। ये आदतें थी बेहद शराब पीना और हद से ज्यादा सिगरेट पीना। कहा जाता है कि सिगरेट के तो मैक इतने ज्यादा आदी थे कि एक सिगरेट बुझती नहीं थी और वो उसी सिगरेट से दूसरी सिगरेट जला लिया करते थे। उनकी यही आदत आखिरी में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। सिगरेट का धुआं चुपचाप मैक के फेफड़ों को अंदर ही अंदर खाता रहा। फिल्म अतिथि तुम कब जाओगी की शूटिंग के दौरान इनकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने जाँच की तो पता चला कि इनके फेफड़ों में कैंसर है। इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। इनका इलाज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा था लेकिन कैंसर के सामने ये ज्यादा दिन टिक ना सके। आखिरकार 10 मई 2010 को दिग्गज अभिनेता मैकमोहन ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैकमोहन को इस दुनिया से गए सालों गुजर चुके हैं। वो अपने आप में एक बेहद अनोखे इंसान थे और बड़े ही शानदार अभिनेता थे। भले ही फिल्मों में वो ज़्यादातर विलेन के किरदारों में नजर आए हों लेकिन असल जिंदगी में मैकमोहन एक बड़े जिंदा दिल किस्म के इंसान थे। किस्सा टीवी मैकमोहन की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। जय हिंद।